बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोगों के लिए लाया हूं एक और वीडियो गोसा वॉइस पे। जी हाँ, आज की वीडियो जो है वो अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि मुझे ज़रा वो बंदा पता चल जाए जो सीमा के साथ वहां पर जब ये इसका घर का इनॉग्रेशन हुआ था तो वहां पर एक बंदा एपी सिंह के साथ मौजूद था। तो उसकी तस्वीर तो आपने थंबनेल पे देख ली होगी कि ये वो बंदा है, ठीक है, जिसका नाम महाराणा प्रताप सिंह नाम है। वाओ, कपड़े खरीदने की इसकी औकात नहीं है कि नए कपड़े पहन ले, हर जगह पे सेम वही एक ही ड्रेस में घूम रहा होता है और पाकिस्तान खरीदने की ये बात कर रहा है। खैर, भाड़ में जाए, हमारी तरफ से जिस जिसको अपनी सियासत चमकानी है वो पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम लोग देख रहे होते हैं। बात यहाँ पर करते हैं कि हम लोग परेशान थे कि आखिर सीमा के अतराफ में ऐसे कौन से लोग पाए जाते हैं कि अगर एक तरीके से एक एंगल से अगर सोचा जाए कि सीमा अगर किसी ने कैप्चर किया हुआ है तो वो बंदा जो है या कौन इसके पीछे है, वो हम लोग देख रहे थे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि सीमा के पीछे यानी कि सीमा को वरगलाने या उसको धमकाने में जो है वो ये साहब का हाथ है जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। इनकी अपनी तो कोई वर्थ नहीं है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चिंदियाँ देख के खरीद लिया जाएगा। ओ, तुम्हारी इतनी औकात है साले, तुम कपड़े खरीदने तक की तुम्हारी औकात है नहीं। तुम्हारा मुंह देखो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाथी जो है वो गलती से उसने सूंड कटवा के अपनी मूछे बना ली हो, वो बंदा बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रहा है। सीमा को जो है वो कह रहे हो ये वो उसको यात्रा पे लेके जाएंगे, मतलब तुम लेके जाओ यात्रा पे, ठीक है ना। मैं कहता हूँ अल्लाह करे उसको इजाजत मिल जाए, लेके जाओ यात्रा करो, जो भी करना है ना करो, जो जो जगह दिखानी है ना दिखा लो अच्छे तरीके से, कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये बात याद रखना कि अब तुम्हारे ऊपर भी जरा सी इन्वेस्टिगेशन होगी, तुम्हारा भी जैसे ए पी सिंह का हमने शजरा खंगाल लिया वैसे तुम्हारा भी शजरा खंगालेंगे और फिर पता करेंगे कि आखिर तुम हो किस खेत की मूली। वैसे मूली इतनी मोटी नहीं होती, इतनी मोटी जो कोई कद्दू ही होगा, कद्दू पद्दू पता नहीं क्या है यार, बहरहाल जो कोई भी है। लेकिन ये कि बहुत हल्की और थकी हुई चाल, किसी को अपना यूट्यूब चैनल चमकाना है तो बता दे, किसी को अपना मीडिया की TRP बढ़ानी है तो बता दे, किसी को सियासत चमकानी तो बता दीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ भौंक लीजिए और उसके बाद जो है सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आ गई हैं। तो अब हमें जो है वो डाउट एक सेकंड पहले जो 100% वो था, क्या कहते हैं कि सीमा के खिलाफ हम बात कर रहे थे, अब उसमें एक ज़रा सा जो शक था ना उसको चिंगारी दे दी इस बंदे ने सामने आके कि अब हमें पता चल गया है कि सीमा को और बच्चों को जो है वो यरगमाल बना के जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सीमा से वो बातें कहलवाई जा रही हैं जो आज तक हम कह रहे थे कि सीमा खुद ही कह रही है, ठीक है, सीमा खुद भी कह रही होगी क्योंकि उसको पता है कि वो यहाँ पर कोई हरकत करके भागी है। लेकिन सीमा को वहाँ पर रख के कि ये मुसलमान ना हो जाए दोबारा, ये कोई इस्लाम की बात ना कर ले, ये पाकिस्तान की कोई बात ना कर ले, ये हैदर के बारे में कोई बात ना कर ले, उसको यूज़ किया जा रहा है अपनी सियासत चमकाने के लिए। क्योंकि वहाँ पर उसके पहुँचते जो वहाँ के नोएडा के रेट बढ़ गए, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, वाह सही वाह वाह वाह, क्यों इसको जगह का नाम नोएडा के बजाय जो है ना वो रख देना सीमा सचिन 10, ठीक है ना, या सीमा हैदर रख दो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसको आते जाते जूते तो पड़े, सबको याद रहेगा कि यार मैं ये कौन औरत है, क्यों आई थी और क्या करके चली गई। बहरहाल मामला सिंपल सा है कि इन्वेस्टिगेशन तो अब होनी चाहिए कि सीमा यहाँ से गई है या सीमा को अगवा करके लेके जाया गया है, क्योंकि ऐसे अनासर तो हैं जो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के मुखालिफ और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के मुखालिफ काम कर रहे हैं। वो लोग जो जो हरकतें करते हैं उनसे उनकी वीडियो उनका कंटेंट देख के उनका चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो देख के अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि कौन कौन जो है वो अपनी कंट्री के हक में है कौन नहीं है। यहाँ तक कि अभी आप देखिएगा कि ये राहुल गांधी को इन्होंने टारगेट किया हुआ है, अगर कल राहुल गांधी इलेक्शन जीत जाता है तो फिर ये क्या करेंगे, इनके तो बगले झांकने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। लेकिन जितना खेलना है सीमा के नाम पे खेलो, पाकिस्तान के नाम पे तो खैर तुम लोग भौंकते ही रहोगे, भौंकते रहना भाई, क्योंकि तुम्हारी सियासत चमकेगी इसी से, ठीक है ना। मैं बाकी की बात नहीं, मैं सिर्फ इस चंवल की बात कर रहा हूँ। ये जो आया है ना ये गैंडा सर्कस का हाथी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गटर के अंदर पोटियाँ पड़ी हुई हैं और आपस में जो है वो उनका जो है वो एक बातचीत चल रही है कि भाई अभी हमें क्या करना है, हमें हक दिया गया है तो अब हम जो है वो बह के किस नाली के अंदर जाएं, कहाँ से जाके हम गटर के अंदर जाके घुसें। तो ये टट्टियाँ जो है ना वो पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जिनमें ये, और वो बिलावजह का जो शबराती जिसे हमारे कहा जाता है ना तो कौन मैं खामा खां, वो आदमी जो वो घुसा हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अब कुत्ते की नस्ल तू पाकिस्तान के बारे में बात करना बंद कर दे, उसके बगैर तेरे अंदर दम है, तेरे चैनल में दम है ना तो उस चैनल को चला के दिखा, तेरे अंदर इतना तप्पड़ है ही नहीं कि नहीं पाकिस्तान के बारे में बोलना ज़रूरी है। मैं यहाँ से बैठ के बहुत कुछ कर सक
हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अमन और प्यार का पैगाम दे रहे हैं। ये उन हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ ये बंदे जो है वो उंगलियां उठवा रहे हैं, जो कि गुलाम हैदर के हक में बात कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। ठीक है, हमें लेकिन हिंदुस्तान से भी प्यार है, पाकिस्तान से भी प्यार है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंट्रीज का जो है वो कोई कसूर नहीं है, चंद साजिशी अनासिर जो है उनकी वजह से जो है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो फसाद मचा रहता है। तो हम उस चीज़ को ख़त्म कराना चाहते हैं, उस सोच को ख़त्म कराना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट बैठे हैं, कानूनदान बैठे हैं, हमारी कोशिश यही है कि गलत एक जो इमेज पाकिस्तान का बना दिया गया है ना, उसको हटा के उसको ख़त्म करें कि भाई ये चीज़ नहीं है। आप लोगों को अच्छा खासा तो आइडिया हो गया होगा कि हम लोग एक आम इंसान हैं, हम लोगों के भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, खाते पीते हम लोग भी हैं। ठीक है, लेकिन सीमा के नाम का नहीं खा रहे हैं, हम अल्लाह के नाम का खा रहे हैं, पंजतन पाक के नाम का खा रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बस ये हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि उस मज़लूम बाप को उसका हक दिया जाए, वो मासूम बच्चे जो हैं वो अपने बाप के पास आए। क्योंकि अब हमें बिल्कुल भी इतना सा भी भरोसा नहीं है कि ये बंदे जो हैं वो कल अपनी हार का बदला जो है वो सीमा से और उसके बच्चों से लेंगे। तो ये याद रखिएगा, सीमा को भी डिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन बच्चों को तो लाजमी अपने बाप के पास आना बहुत ज़रूरी है। सीमा से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंटेरोगेशन की जाएगी हर तरीके से कि आखिरकार इसने ये काम किया तो क्यों किया, खुद से किया या इससे करवाया गया, उसमें कौन कौन शामिल था, सारी चीज़ें आएंगी सामने। और फिर ये जो अभी चिल्लड़ जमा कर रहा था, क्योंकि इसकी चिल्लड़ की भी औकात नहीं है, लेकिन इसने बड़ा तीर मारा कि चिल्लड़ जमा करेंगे तो पाकिस्तान खरीद लेंगे, तुम्हारे जैसे कई करोड़ भिखारी जो है वो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और वो पाकिस्तान के को ख़रीदने का जैसा था ना ख्वाब, वो ले के दिल में मर जाते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि अपने अंदर कोई तप्पड़ नहीं है, तुम्हारे मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं उनको डिस्कस करो, तुम्हारे जहाँ पर बैठे हुए हो, जहाँ से तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, उधर के मसाइल, चोरियाँ, डकैतियाँ, वो सब चीज़ें, और जो लड़कियों के साथ, खवातीन के साथ वहाँ पर मामला किए जा रहे हैं, उनको डिस्कस करो कि भाई ये हल हो जाएगा। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भोगेंगे तो इनको जो है वो वोट मिलेंगे, और ऐसे जो लोग हैं वो कहेंगे, लोग वहाँ पर पकड़ेंगे, भाई पाकिस्तान का हमें क्या करना है, तुम पहले अपने इलाके को तो सुधार लो, वहाँ के मसाइल तो हल कर दो ना, वहाँ पर सही तरीके से खाने पीने को मिल रहा है ना, कुछ है, सब लोग रो रहे हैं। आपको क्या पता, क्या हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग मीडिया नहीं देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स हैं पड़े हुए हैं, जिसपे सारी पोल पट्टियाँ नज़र आ रही होती हैं कि वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं। कुछ इलाकों में हालात अच्छे हैं, ठीक है, फाइन, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ इलाकों के अंदर हालात सही हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि किसी को भी अपना चैनल चमकाना है, सियासत चमकानी है, अपना स्पोर्ट्स चमकाना है, या अपना टीवी चैनल चमकाना है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ भौंके बगैर नहीं चलेगा। हम बगैर इन सब चीज़ों के अपने जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कभी अगर उंगलियां उठती हैं हिंदुस्तान के ऊपर, तो उसकी वजह इस टाइप के दहशतगर्द ज़हनियत के लोग होते हैं। बिलावल भुट्टो की इन्होंने बात की, बिलावल भुट्टो जो है वो, देखो एक बात बताऊं, एपी सिंह, तुम बिलावल के सामने आओगे ना, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। बिलावल जो है ना, वो एक शहज़ादा है, आई समझ, तुम ये चंद हज़ार या चंद लाख या चंद करोड़ की तुम्हारी मिल्कियत है, तुमसे ज़्यादा अमीर उसके नौकर हैं, आई समझ। वो देख के नस्ली लोगों को भी जो है ना वो रखता है, क्या कहते हैं, ग़ुलाम बनाता है, या अपने नौकर रखे हैं, उसने ग़ुलाम तो नहीं बनाता, खैर नौकर जो रखे हुए वो भी नस्ली लोग हैं। तुम्हारी तो नस्ल का ही नहीं पता, भूतनी के पाकिस्तान को ख़रीदेंगे। और इसको बोलो, ये इसके जैसा वो एक आता था ना, कौन खान करके, जो अक्सर इंडियन मूवीज़ में कॉमेडी किरदार अदा करता था, पता नहीं क्या नाम था, अरशद खान नाम था, क्या नाम था उसका, तो ये उसका भाई है। या इसको बोलो कि कुंभ के मेले में तुम गुम हो गए थे, जाके अपने भाई के पास जाओ, ठीक है ना, और वहाँ पर जाके तुम फिल्मों में काम करो, नौटंकी बड़ी अच्छी कर लेते यार तुम लोग, यार कहाँ से सीखी ऐसी नौटंकी, जिसको देखो यार एक अदाकार बैठा हुआ है, यार एक अदाकार बैठा हुआ है, ए पी सिंह, वो उसकी एक्टिंग है, शायरी ख़त्म नहीं होती, ये एक नया चंबल चूतड़ आ गया, ये भी भौंके चले जा रहे, पाते चले जा रहे, वाह 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 वाह, क्या बात है। और वो तो चिशमिश, ऐनक वाला जिन, ऐनक वाला जिन नहीं कहना चाहिए, ऐनक वाला जिन बहुत अच्छा और एक शरीफ आदमी था, ये जो एक आए है ना घटिया, जिसको कोई घर में इसको पूछता भी नहीं है, तो उसके घर पे बेल भी लगी ना, उसमें भी पाकिस्तान को गालियाँ बजती हैं, तो जाके घर वाले दरवाज़ा खोलते हैं, खटखटाते हैं ना, कभी लाइट गई भी हो तो घर वाले कहते हैं नहीं कुत्ता होगा, खटखटा रहा होगा, भौंकने दो या बजाने दो, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। और भाई अब पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना बंद करो, अपने अंदर तप्पड़ है ना तुम लोगों के,
पाकिस्तान के बगैर अपनी सियासत, अपने चैनल्स, अपनी दुकानें चला के दिखाओ, फिर पता चलेगा, जो कि हो नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि वो हो तुम, ठीक है ना, समझ तो गए होगे। बाकी जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, वो इस बात को गौर से सुने और समझें, मैंने जो भी बात की ना, इस मनहूस और ऐसे मनहूसों के लिए की है। मैंने आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कुछ नहीं कहा, मैंने आपके सीएम को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने उनके मुंह से बात नहीं सुनी। हाँ कहते हैं ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि वो अपनी जगह सही, मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। एपी सिंह, ये ढक्कन जो नया आया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी जो है मैं पुंगी बजाऊंगा लाजमी। और वो जो है कि हमारी दादी हो, तुम लोगों के पास अच्छे अल्फाज कहाँ से आते हैं, जब तुम्हारे जैसे बेगैरत आके जो वो बकवास करते हैं ना, तो ये चीज़ें खुद ब खुद जन्म लेती, क्योंकि तुम हो ही गाली के काबिल। अगर तुम इज्जतदार होते ना, तुम्हें इज्जत से जवाब दी जाती, लेकिन तुम हो क्या करें। वो बंदा कहते ना, नहीं यार मुझे आज गाली नहीं पड़ी, खाना जम नहीं हो रहा, तो तुम्हें जो है ना वो गालियाँ पड़नी ही चाहिए। और सीमा, उसको भी गालियाँ पड़ेंगी अभी, क्योंकि मैंने कहा कि डाउट है, लेकिन डाउट जो है वो थोड़ा सा जो है वो हकीकत में, यानी कि यकीन में बदलता जा रहा है। सीमा और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, क्योंकि एक दहशतगर्द जहनीत का, एक आतंकवाद जहनीत का बंदा जो है, एक शिद्दत पसंद जो बंदा है, वो उसके घर आना जाना उसका है, उसका दिया हुआ मीडिया वहाँ पर है, उसके दिए हुए सारी जो वहाँ पर सिक्योरिटी है वो उसकी दी हुई है। तो जाहिर है सीमा कहाँ भाग के भी नहीं जा सकती। आपको क्या लगता है कि ये सीमा को जो पैक करके रखा हुआ है, वो इसलिए किया हुआ कि पाकिस्तान से कोई जाके उसको मार देगा? पाकिस्तानी के पास इतना फजूल टाइम नहीं है, और ना ही जो है वो हम ये करेंगे, कोई करेगा कि अपने मुल्क को इस तरीके से बदनाम करे। ये खुद ही इस चक्कर में कि इनको भरोसा नहीं है कि यार ये जो पाकिस्तान के सब चीज़ें क्रॉस करके वहाँ पर भाग के चली गई है, ये कल हमें भी जो है वो छोड़ के भाग ना जाए और हमारी पोल पट्टी ना खोल दे, दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। इतने डरे हुए एक औरत से हद होती है यार, हद होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं क्या कहूँ, कीप वॉचिंग भूसा वाइंस, अल्लाह हाफिज़, और शेयर भी कीजिएगा।